दिनेश फोगाट से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है कि अब उनके इस पूरे मामले की सुनवाई होने वाली है खेल पंचायत कोर्ट में, जहां पर अपना अपना पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें कि आज दिनेश फोगाट की डिसक्वालीफाई के खिलाफ दी गई अर्जी पर खेल पंचायत कोर्ट सुनवाई करेगा। ये सुनवाई भारतीय समय के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे होगी। खेल पंचायत कोर्ट ने दिनेश का पक्ष रखने के लिए 4 वकीलों की पेशकश की थी, लेकिन भारतीय दल ने अनुभवी काबिल वकील नियुक्त करने की मांग की। खबर है कि भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे दिनेश फोगाट की अयोग्यता केस में खेल पंचायत कोर्ट के सामने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से पेश होंगे। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि पीएम मोदी के निर्देश पर दिनेश फोगाट को सर्वोत्तम कानूनी सहायता दी जा रही है। और बांग्लादेश में बिगड़े हालातों की वजह से यहाँ भी, यानी कि अपने देश में भी राजनीति काफी गर्मा गई है। बात अगर हम झारखंड की करें तो झारखंड में ये मुद्दा पहले से ही उठाया जा रहा था, बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर पहले से ही बीजेपी सरकार को घेर रही थी। और अब ऐसे में बांग्लादेश के हालातों पर चर्चा करते हुए निशिकांत दुबे ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कुछ दस्तावेज दिखाते हुए दावा किया कि उनके पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की डिसक्वालीफाइड फाइलें हैं। निशिकांत दुबे ने CIA के कथित दस्तावेजों के आधार पर दावा किया कि कांग्रेस पार्टी के नेता सोवियत रूस के हाथों बिके हुए थे, कांग्रेस नेता सोवियत रूस से पैसे लेकर देश की पॉलिसी बनाते थे, देश का कैसे नुकसान हो कांग्रेस नेता वही काम करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करना चाहती है, कांग्रेस देश में ऐसे हालात पैदा करना चाहती है कि पीएम मोदी के खिलाफ पूरा माहौल बन जाए। तो ये कुछ आरोप निशिकांत दुबे की तरफ से लगाए गए हैं और ये हमला विपक्ष पर किया गया है। तो बांग्लादेश पर जारी सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है। झारखंड से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में कुछ दस्तावेज दिखाते हुए दावा कर दिया कि उनके पास अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की डिसक्वालीफाइड फाइलें हैं, जिसके तहत निशिकांत दुबे कहते हैं कि CIA के कथित दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस पार्टी के सभी नेता सोवियत रूस के हाथों बिके हुए थे। वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस नेता सोवियत रूस से पैसे लेकर देश की पॉलिसी बनाया करते थे, देश का कैसे नुकसान हो कांग्रेस नेता वही काम करते थे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी देश को बदनाम करना चाहती है और कांग्रेस चाहती है कि देश में ऐसे हालात पैदा हो जाए जो पीएम मोदी के बिल्कुल खिलाफ हो। ये फाइल ये कहती है कि कांग्रेस पार्टी के सभी लोग सोवियत रूस से बिके हुए थे, वो पैसा लेते थे, पैसा लेकर वो जो है देश की पॉलिसी बनाते थे, देश का कैसे नुकसान हो वही काम करते थे। ये डीक्लासिफाइड फाइल करती है। ये तीनों किताब को यदि आप देखेंगे, चाहे वो अशोक मित्रा की हो, चाहे संजय बारू की हो और नटवर सिंह की हो, ये कांग्रेस पार्टी इस देश को बदनाम करना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है, ऐसा सिचुएशन पैदा करना चाहती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ पूरा माहौल बने, इस देश के खिलाफ पूरा माहौल बने, लेकिन वो हम होने नहीं देंगे। और अब बात करेंगे बिहार में सक्षमता पास टीचरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल काउंसलिंग के लिए वो पहुंच तो गए हैं, लेकिन सर्वर ठप होने की वजह से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे जो शिक्षक हैं वो लंबी कतार में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, घंटों शिक्षकों को कतार में इंतजार करना पड़ रहा है। पटना के DRCC सेंटर पर कुछ यही हाल दिखा, जहां सुबह से सर्वर ठप होने से फर्स्ट स्लॉट वाले शिक्षकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि सेकेंड स्लॉट शुरू होते ही सर्वर ठीक हो चुका है और काउंसलिंग भी जारी है। इस दौरान न्यूज 18 से बातचीत में शिक्षकों ने काउंसलिंग के बाद जल्द पोस्टिंग करने की मांग की, साथ ही सक्षमता पास शिक्षकों को वरीयता का लाभ देने की भी मांग की। पटना के DRCC सेंटर का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। सक्षमता काउंसलिंग में आए शिक्षकों को सर्वर ठप होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पटना की अगर बात करेंगे, DRCC सेंटर पर लगातार वेरिफिकेशन जारी है, लेकिन आज सुबह से ही सर्वर में परेशानी होने की वजह से जो फर्स्ट स्लॉट वाले टीचर हैं वो भी घंटों कतार में लगे रहे। अभी भी कुछ टीचर हैं जो देख सकते हैं फर्स्ट स्लॉट में है और लगातार काउंटर पर बने हुए हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन होना है और जो थंब इम्प्रेशन है
वो भी यहां पर लिया जाना है। बायोमेट्रिक मिलान के बाद ही दूसरे स्टेप में वो फॉलो किए जाएंगे, यानी जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच होगी। तो ये काउंटर है बाहर में और यहां पर काउंटर पर देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो टीचर हैं अभी भी कतार में हैं। हम कैमरामैन अमित से कहेंगे जरा लंबी कतार को आप दिखाइए कि बिहार भर से जो टीचर हैं जिन्हें फर्स्ट सेकंड या थर्ड च्वाइस आवंटित किए गए हैं वो काउंसलिंग कराने के लिए पटना के डीआरसी सेंटर पहुंचे हैं। राज्य के सभी 38 जिले में लगातार काउंसलिंग जारी है। सरकार का एक टारगेट है 1,87,000 शिक्षकों को समय पर हम काउंसलिंग कराएं, लेकिन बार बार चाहे वो आधार का सर्वर हो या फिर बायोमेट्रिक का सर्वर हो, बार बार वो डाउन हो जा रहा। हालांकि खबर ये आई है कि अब सर्वर चालू हो गया है जिसके बाद फिर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन काफी देर बाधाएं आती रही। जरा हम बातचीत करेंगे। ये बताइए कितने देर से आप लोग हैं यहाँ? नहीं, हम लोग सेकंड वाले। आप फर्स्ट वाले कौन हैं? फर्स्ट वाले आप हैं? हाँ, बस लास्ट ही हैं। लास्ट हैं। सर्वर ठप रहा? हाँ, ठप थी लेकिन अब है। अब राहत मिल रही है? अभी है, टाइम है। टेक्निकल समस्या बार बार आ रही है। बता दें आपको कि बिहार के सभी 38 जिले में कहीं न कहीं सर्वर की समस्याएं आ जा रही है। ऐसे में जो टारगेट रखा गया था कि पहले दिन हम 150, फिर 200, फिर 250 और अगर स्थिति सही रही तो हम संख्या बढ़ाकर 350 और 400 कर देंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि 250 से सरकार आगे नहीं बढ़ पा रही है। एक सेंटर पर एक जिले में लगभग 250 की ही काउंसलिंग हो पा रही है। तो ये कतार है। जरा और कुछ टीचर हमसे बातचीत करेंगे। कहाँ से हैं आप? सर, मैं बक्सर से हूँ। बक्सर से पटना आई है? यस। कौन सा चॉइस मिला? फर्स्ट चॉइस मिला। फर्स्ट चॉइस मिला। मैं ऐसे पटना की रहने वाली हूँ, बट मुझे कितने साल से नौकरी? मैं 2 साल से हूँ, 2022 की ज्वाइनिंग है सर। अच्छा, क्या चाह रही थी बक्सर से कि पटना आ जाए? यस सर, जल्द घड़ी आ गई। यस सर। आप कहाँ से हैं? जहानाबाद से। जहानाबाद से। कौन सा चॉइस मिला आपको? फर्स्ट चॉइस मिला। फर्स्ट चॉइस आपको ही मिला? हाँ सर। अच्छा, खुशी हो रही है? बहुत ज्यादा, लेकिन अब ये गवर्नमेंट से यही उम्मीद है कि जैसे काउंसलिंग हो रहा है वैसे सबकी पोस्टिंग भी हो जाए, इसमें कोई लटकाने वाला सिस्टम ना हो। डर लगता है कि लटका सकती है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से कंडीशन है, जैसे प्रोसेस चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो लग ही रहा है कि हो सकता है कि हम लोग को डिले कर दे। लेकिन पास कर लिया? बिल्कुल बिल्कुल। कितने साल नौकरी की है? 10 साल से। महिलाओं ने खुलकर कहा है कि 15 किलोमीटर रेडियस के भीतर ही अगर महिलाओं को स्कूल भी आवंटित कर दिया जाए तो सोने पे सुहागा होगा। जाहिर है जिस प्रकार से सभी शिक्षकों से परीक्षा ली गई है, 1,87,000 ने तो लिटमस टेस्ट में पास कर लिया है, उसके बाद दोबारा एक तरह से अब इनका अब फिल्ट्रेशन का काम चल रहा है, काउंसलिंग में सभी लोग भाग ले रहे हैं। हालांकि काउंसलिंग कब खत्म होगी इस बात की सरकार को भी जानकारी नहीं है और पोस्टिंग को लेकर लगातार शिक्षक सवाल पूछ रहे हैं कि काउंसलिंग करा लिए हैं, मेरी पोस्टिंग कब होगी। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अगली खबर आपको मोतिहारी से बता दें। मोतिहारी में बताया जा रहा है कि नाग पंचमी के दौरान चाकूबाजी होने के बीच एक व्यक्ति की मौत हो गई है और इसमें 2 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। दरअसल अजगरी गांव में नाग पंचमी के दौरान चाकूबाजी हो रही थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक नाग पंचमी में झंडा खेलने के दौरान दो पक्षों के बीच लाठीबाजी के दौरान लकड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया जिसमें लोग मारपीट करने लगे और इसी दौरान भीड़ में घुसकर किसी ने एक व्यक्ति को चाकू मार दिया जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झंडा खेलने लक्ष्मण चौधरी के द्वार ठीक वहाँ गए तो वहाँ जैसे कोई इतना मोटा लकड़ी भाज रहा था तो उसको हटाया गया। अब वो नहीं हट रहा था, मान नहीं रहा था, लकड़ी उधर ढा दिया गया और लगा लोग लाठी चलाने में। लाठी चलाने के लिए वहाँ से झगड़ा छोड़ा उड़ा तो फिर वो चौक पे उन लोगों का जहाँ घर है उस घर तर आया तब मार हुआ कस के ठीक वहाँ। उसी के बाद में कौन ना कौन चाकू मार दिया उसको, हम लोग तो सब नीचे गिरे हुए थे। चाकू कौन ना कौन मार दिया। 2 मरी गया था, एक जितेंद्र सिंह करके राजीव कुमार मात्र का किलो आया था, बंजरिया थाना लेके आया था। दोनों मरीज ठीक हैं, दोनों को भर्ती करके वार्ड में रखे हुए हैं, मेल वार्ड में। मार्केट में क्या चाकूबाजी लग रहा था? चाकूबाजी नहीं, ये होगा तो सर फटा हुआ था पीछे साइड में, उनका हाथ में कटा हुआ था थोड़ा सा, जो मरीज यहाँ पर हम देखे हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी दोनों मरीज ठीक ठाक है। और आपको बता दें कि नदी के बढ़ते जलस्तर से लखीसराय के लोग डरे सहमे हुए हैं। दरअसल यहां पर नदी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है और ऐसे में अब लोगों को बाढ़ की आशंका सताने लगी है। खासतौर पर अगर हम बात करें किऊल नदी और हरहुआ नदी की तो जलस्तर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहीं लोगों ने प्रशासन से बाढ़ से पहले की तैयारी पूरी करने की मांग की है। एक सप्ताह से बढ़ रहे जलस्तर से निचले इलाके पानी में डूब गए हैं और इससे पशुओं के लिए चारा की भी परेशानी बढ़ गई है।
रेहुआ गांव में हरोहर नदी का जायजा लिया है। न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार है। हो रहे गंगा के जल स्तर में वृद्धि के बाद अब सहायक नदी चूल और हरोहर नदी के जल स्तर में भी लगातार वृद्धि हो रहा है। आप देख सकते हैं लगभग एक सप्ताह से यह हरोहर नदी है, इसमें जल स्तर में काफ़ी तेजी से वृद्धि हो रहा है, जिससे इस इलाके के लोग जो हैं बाढ़ की आशंका से सहमे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनिल सिंह। कब से? एक हफ्ता से बढ़ रहा है। लगातार बढ़ रहा है। क्या लग रहा है? बाढ़ आ जाएगा? बाढ़ लगता है, दो चार दिन में फसल सब डूब जाएगा।